25 जुलाई 2022 सफ़रनामा वादिय कुमराट। मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था। यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी में क्लासेस ली और उसके बाद मेहंदी लगवाई क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं अल हिलाल ट्रेवल्स की तरफ और वहाँ से फिर हम निकलेंगे 9 बजे से 10 बजे के दरमियान कुमराट वैली के लिए इंशाल्लाह। सो द मोस्ट अवेटेड एंड एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट्स हियर। गाइस, अब रात के 2 बज चुके हैं और अब हमने यहाँ पे कलर का हार्ट पे स्टे किया है। 3 से 5 बजे तक का सफ़र कोस्टर में नींद की आगोश में गुजारा। सुबह 5:30 बजे आंख खुली तो बाहर बहुत सुहाना मंजर था जिसे देखकर बहुत खुशी हुई। जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ, बुलंदोबाला पहाड़ जो आसमान को छू रहे थे, इन्हें देखकर सफ़र की दिलकशी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। गाइज, लिटरली मॉर्निंग व्यू वॉज अमेजिंग अक्रॉस द हिल्स। गाइज, बुलंदोबाला पहाड़ों को देखने से ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई जब हम सवात मोटरवे की टनल में से गुजरे। इट वॉज रियली वेरी एक्साइटिंग इवेंट एंड वी वर लाइक हूटिंग। एक्साइटमेंट में मजीद इजाफा हुआ जब हमने रोड पे चलते हुए बुल्स को देखा। रास्ते में दरियाए सवात नजर आया जिसकी लहरों का हुसन जोबन पर था। सारी रात सफ़र में गुजारने के बाद सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट में नाश्ते के लिए रुके। जब हमने यहाँ पे नमकीन डेरा एंड रेस्टोरेंट होटल पे ब्रेकफास्ट किया है और अब हम सवात में हैं और यहाँ से आगे फिर कुमराट वादी का सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह। एंड वी आर रेडी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यू कैन सी द स्वेट। नाश्ते के बाद लोअर दीर से अपर दीर का सफ़र शुरू किया। गाइस, पहला दिन तो तकरीबन हमारा सारा ही सफ़र में गुजरा, बट द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम, सो कीप वॉचिंग गाइस। गाइस, आई कैन डेफिनेटली से सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। इस ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले कुमराट के लिए और लोअर दीर अपर दीर से होते हुए और अब हम आए हैं थल एरिया में और हमें 8 से 9 घंटे लगे हैं यहाँ तक आने के लिए और हम यहाँ पर हैं ग्रीन हिल्स होटल में और इसके बाद फिर अब हमने जीप्स में जाना है और जीप्स में फिर बैठकर हमने कुमराट के लिए रवाना होना है। ज़िंदगी क्या है, हंसी यादों के मजमुए के सिवा कुछ भी नहीं। सो गाइज, नाउ आई एम हैविंग अ जीप राइड एंड इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग इवेंट। वी आर गोइंग टूवर्ड्स काला चश्मा। गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग फनी इन दिस राइड। आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं कितने आराम से खड़ी हूँ यहाँ, बहुत सुकून से खड़ी हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। इंजॉय तो मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कर रही थी बिकॉज इट्स वाज रियली अ वेरी गुड एडवेंचर। लेकिन क्या हो रहा था, कभी मैं आगे बज रही थी, कभी मैं पीछे बज रही थी और बुरा हाल हो चुका था, कमर भी टूट ही रही थी कि आगे बज रहे हैं कभी पीछे बज रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा पथरीला था। लेकिन दिस एक्सपीरियंस वाज वर्थ इट। ए सरजमीन पाकिस्तान, तेरी खूबसूरती लाजवाल है, वादिय कुमराट तेरी खूबसूरती लाजवाल है। गाइस, फाइनली 3 घंटों की जीप राइड करके हम यहाँ पे काला चश्मा पे आ गए हैं कुमराट वैली में और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इसको काला चश्मा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं ना, पहाड़, ये ब्लैक हैं, ब्लैक कलर के हैं और यहाँ पे जो काला चश्मा का वाटर है वो नॉर्मल वाटर है जैसे होता है, साफ पानी है। मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये देखें जी, ये है काला चश्मा, ये इर्द गिर्द फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये माउंटेन्स बहुत खूबसूरत है।
बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सीनरी है यहाँ पे, मौसम भी बहुत अच्छा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। ये देखिए वाटर का फ्लो चेक करें कितना ज़्यादा है यहाँ पे। व्यू चेक करें कितना प्यारा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है ये। गर्ल्स शौक शौक में काला चश्मा रिवर में हाथ डाल तो लिए, लेकिन हैंड्स वर लाइक वर गोना फ्रीज। अब बनाए जो अपनी वीडियो। फाइनली हम काला चश्मा रिवर से मोमबेट होटल में आ चुके हैं वाया जीप ट्रैक। बहुत खूबसूरत होटल है, यहाँ पे हमारा नाइट स्टे होगा। गाइस फाइनली हम अपने होटल रूम में आ चुके हैं जो हमें अलॉट हुए, और ये वाकई बहुत अच्छा होटल है और बहुत अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ मोमबेट होटल कुमराट वैली, और ये देखें मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस, कल हम चलेंगे थकी टॉप और उसके बाद हम हाइकिंग करेंगे जहाज़ पांडा की तरफ। एंड सी यू देयर इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।